नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरडी टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ नरेश त्रिवाठी, कैमरामैन अनामिका के साथ। जैसे कि अभी हमारे सुनील भाई ने दर्शाया कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटरा में आज हम उपस्थित हैं। आज से एक या एक हफ्ते से शायद पहले या फिर बाद में, यानी एक हफ्ते के समथिंग, जब सरपंच साहब से हमारी बात हुई थी तो सरपंच साहब ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल आकर निरीक्षण कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई आपको शिकायत का मौका नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब आए तो हमें देखने को मिला, लोगों का कहना हमारे साथ में खड़े हैं, उन्होंने बोला भी है कि यहाँ पे हुआ ही नहीं है कुछ। हालांकि जिस रोड से हम निकल के आए हैं, ये रोड है जो स्कूल तक लगा हुआ है, ये आरसीसी रोड, ये तो है। लेकिन इस रोड के अलावा भी हम और गांव में गए भी नहीं, थोड़े से आगे बढ़े थे तो काफ़ी समस्या है निकलने की, जो हमारा दो चार घर हमने दर्शाए थे। तो आप देखिए, हमारे साथ में सरपंच साहब मौजूद हैं, हालांकि सरपंच साहब नहीं है, उनके हस्बैंड हैं, वो किसी कारणवश हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। भाई हम उनसे हैं क्या, तो आप उन्हें और बुलाते तो और अच्छा है, तो आप ही बात करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ में सरपंच साहब, स्वागत है सरपंच साहब बीआरजे टीवी में आपका। सर नमस्कार। तो आप अपना नाम बताइए। मैं कोमल सिंह कुशवा। कोमल सिंह कुशवा जी, जैसा कि आपकी पंचायत की शिकायत थी, आपको हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं, तो वो शिकायतों को लेके आप क्या कहेंगे? शिकायतें जो हैं वो पूर्ण तरीके से सही है तो होना चाहिए। क्या है कंडीशन, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, कौन सी शिकायत है, मुझे पता भी तो पड़े कौन सी शिकायत क्या है। शिकायत तो देखो रोड को लेकर भी है, पीएम आवास को लेकर भी है, शौचालय को लेकर भी है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सी शिकायतें हैं। देखिए सर, क्या है, पीएम आवास 2011 की सर्वे सूची में जिन लोगों के नाम थे उन लोगों की मिल चुकी है, वो मिल रही है। बाकी के जिन हितग्राहियों के नाम 2011 की सूची में नहीं जुड़े थे वो जुड़वा चुके हैं। अपन करीबन मैंने 90-100 नाम जुड़वा चुके हैं, है ना। आगे से ये 2011 की सूची खत्म हुई, गवर्नमेंट चालू करेगी नई सूची में, तो इन लोगों के लिए मिलेगा, स्वाभाविक मिलेगा। तो जैसे आपने बताया कि 11 की सर्वे जी, अब आपके इस पंचायत में, आपका पंचायत तो यही है ना, कोटरा जी, जी जी कोटरा में अभी हमने देखा 7 पीएम आवास जी, कोटरा कोटरा में ओनली 7 जी, कोटरा की बात करा, पंचायत की बात नहीं कर। तो आपने जैसे बताया कि 2011 की सर्वे के अनुसार जी, तो क्या 2011 की सर्वे में 7 लोगों की सर्वे हुई थी? नहीं सर, सर्वे तो ज़्यादा लोगों की हुई थी और उन्हें मिल भी चुके हैं, और बाकी थोड़े बहुत रह गए 2-5% नहीं, बाकी सभी को मिल चुके। बाकी कोटरा से यदि आपने बताया कि 7 नाम थे तो 7 नाम यदि सूची में है तो 7ों को मिल चुका, बाकी ज़्यादा लोगों के नाम होते ज़्यादा को मिलता। 2011 की जो सर्वे सूची थी, अब मुझे पता नहीं है किसने सूची बनाई है, किसने सर्वे किया गया था, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन 2011 की सर्वे सूची में होती थी ये सभी हितग्राही, पात्र हितग्राही सभी को मिलता। तो अब 2011 की सूची की समाप्त होने के बावजूद ऐसा भी हुआ है कि 30-35 पीएम आवास टारगेट वापस गया है, वो इस कारण से गया है 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण वो टारगेट वापस जा रहा है। अभी सरपंच साहब ने बताया कि एक मिनट सरपंच साहब, आपने बताया कि 30-35 लोगों की वापिस चली गई, टारगेट के हिसाब से वापिस चली गई। तो यदि 2011 की सर्वे में उनकी सर्वे ही नहीं हुई थी तो वो 30-35 आए किस वजह से? एक मिनट वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट देती है टारगेट पंचायत को, गवर्नमेंट को पता नहीं तुम्हारी पंचायत में कितने हितग्राहियों की सूची में नाम है, क्या है, है ना। उन्होंने टारगेट भेजा, टारगेट जब तुम्हारे हितग्राही नहीं है तो वो सरेंडर हो जाता है, टारगेट वापस चले जाता। जैसे एससी के 5 हैं, एसटी के जो भी, एससी एसटी के अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, बाकी सरपंच का कोई मैटर नहीं। सरपंच का नाम सूची है तो सूची में सरपंच सेक्रेटरी को पंचायत के माध्यम सेलेक्ट करना रहता है, बाकी पैसा वहाँ से डलता है, सारा काम वहीं से होता है ना। 2011 की सूची में नाम होते तो बाकी के हितग्राही हैं जो पास हैं उनको मिल जाता है। अच्छा, हमने आज से पहले और भी कई पंचायतों में गए, पूरे रायसेन जिले में घूम रहे हैं हम जिले की टीम के साथ में, तो हमने मतलब ऐसा सुना है कि जैसे केंद्र सरकार से या सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी केंद्र राज्य जी, जैसे कि आपकी लिस्ट जारी हुई आपके पंचायत की कि आपके पंचायत में इतनी पीएम आवास आई है, अब उसके बाद जो लिस्ट वापस जाती है उसमें आप लोग सचिव सहायक और सरपंच मिल के ये दर्शाते हैं कि ये पात्र है और ये अपात्र है, तो मतलब जो अपात्र होती है उनको मिल जाती है और जो पात्र होते हैं उनकी वापस हो जाती है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पात्र है तो पात्र को तो मिलना ही नहीं, हमारा कहने का मतलब है उसे सर्वे में क्या है, टारगेट रहता है उसमें, सूची रहती है उसमें, आप जो फॉर्म आता है उसमें टोटल लिखा रहता है, टोटल जानकारी रहती है उसमें कि भाई एसटी के 5 हैं, ओबीसी के 6 हैं, जो भी है टारगेट ऊपर से ही आता है। अब नाम उन्हीं में सिलेक्ट करना है, वन रूम में है, टू रूम में,
है ना, तो पहले वन रूम वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, टू रूम वाला है तो टू रूम वाले को दिया जाएगा। वो आप अलग बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो लिस्ट आती है उसके बाद आप लोग दर्शाते हैं कि ये जो भी है हितग्राही ये पात्र है या पात्र है। तो मैंने आपसे ये पूछा क्या ये बात सही है कि आप लोग दर्शाते हो ये कि ये पात्र है कि ये पात्र है? नहीं है सर, कुछ नहीं है। पात्र अपात्र वहीं से आती है सूची, तो है ना, उसमें पात्र अपात्र का कोई आलम ही नहीं बनता। तो भाई वहीं सूची आती, पहले नंबर पे यदि ऐसा हितग्राही के नाम है तो उसी को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे सूची में से उठा के उसको दिया जाए। अच्छा एक बात और, आप ये बताइए पंचायत कितने स्तर से चलती है? मतलब जैसे कि आपकी एक ग्राम पंचायत है, दूसरी जनपद पंचायत है, तीसरी जिला पंचायत है, तो तीन स्तर पर पंचायत चलती है। अच्छा जो पोर्टल पे दर्शाया जाता है तो वो किसके थ्रू दर्शाया जाता है? वो GRS के माध्यम से दर्शाया जाता है पोर्टल पे। और जो भी जैसे पेंशन हितग्राही है, आपका मनरेगा का काम है, ये सब रोज दर्शाया करता है। तो मतलब जो पोर्टल पे दर्शाते हैं जैसे कि PM आवास में सूची में जिन हितग्राहियों के नाम नहीं जुड़े उनके नए नाम जोड़ना, ये सब रोज दर्शाया करता है। तो जो मतलब मैंने पूछा आपसे कि पोर्टल पे दर्शाते हैं तो क्या वो सही दर्शाते हैं या गलत दर्शाते? गलत दर्शाते। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है सर, उनके पास आवेदन आते हैं सही दर्शाते या गलत दर्शाते हैं। ये तो 11 सूची में नाम आएंगे बिन के नहीं दर्शा रहा है। तो मतलब आप रोजगार सहायक के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप ऐसा है कि रोजगार सहायक पंचायत कार्यालय में बैठे है ना, या मेरे सामने करें, मेरे पास सूची प्रिंट निकाल के बताएं भैया इनके नाम जुड़गा इनके बाकी की। हाँ जैसे हितग्राही पात्र है उसका नाम नहीं जुड़ा तो उसका अपन ने कहा भैया इनका नाम जोड़ो। तो आप अपनी पंचायत का निरीक्षण करते हैं क्या? करते हैं ना। हाँ मतलब आप अपनी पंचायत में घूम के पूछते हैं जी, तो फिर आप अभी ये मुझे लगता है कि ये हितग्राही पात्र है और इसको मिलना चाहिए तो मैं बोलता हूँ ये इनका नाम जोड़ो ये पात्र है। नहीं तो ये काम है सहायक सचिव देखता है तो नहीं मतलब नहीं आपने दिशा निर्देश सरपंच का रहता है, काम करना किसका रहता है? सेक्रेटरी रोजगार सहायक का। जैसे मुझे लगा ये जित्तू इसी गांव से एक लड़का है जितेंद्र मालवी, उसकी स्थिति बहुत बेकार है, उसका नाम 2011 एक सच में से उसमें होना था लेकिन नहीं हुआ, उसका नाम सर्वे में नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए था कि सरपंच को इतना पावर होता कि 5 से लेकर 10 अपने हितग्राही उसे लगता है गवर्नमेंट को सरपंच को तो वाकई इसकी स्थिति खराब है और इसे इसकी आवश्यकता है, वो उसकी स्वेच्छा से दे सके। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास पावर नहीं है? बिल्कुल पावर नहीं है। नहीं ये पावर नहीं है कि अपनी स्वेच्छा से इसको पीए, इसका नाम भी नहीं है तो मैं इसको PM आवाज दे दूं? नहीं तो जैसे कि आपने आप अभी सरपंच हैं, आपको 5 साल के लिए यहाँ की जनता ने चुन के बनाया अपनी मतलब सेफ्टी के लिए कि चलिए हमारी पंचायत से हमारे गाँव के और परिचित है ये हमारी सहायता कर, तो उस सहायता को देखते हुए जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि ये काम रोजगार का होता है और जो पोर्टल पे दर्शाते हैं उसका आपने बताया मुझे नॉलेज नहीं है, तो इस हिसाब से मतलब देखने को ऐसा लगता है कि आप अपनी पंचायत का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं और जो लोगों की समस्या है उनको लेकर जैसे हम अभी हमें बताई और हम इनसे आपके सामने अभी और भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके बारे में इनसे बार बार, तो ये समस्या को देख के आपका मतलब ये आपका कहने के मतलब के अनुसार ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि आपने सर्वे किया हो और लोगों की समस्या को देखा हो? यदि आप देखते तो बेशक लोगों के साथ में खड़े होकर जैसे कि हम आके खड़े हैं, हालांकि हमें आपकी पंचायत से मतलब नहीं है लेकिन हम यहाँ के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं जिनको समस्या है उनको हम BRTV के माध्यम से दिखा रहे हैं, वैसे आप लोगों के साथ में खड़े होकर सचिव से और सहायक से बिल्कुल बहस कर सकते हैं। बहस करते हैं साहब, कह ही सकते हैं ना, उनसे कह ही सकते हैं ना कि भैया हर मंगलवार पंचायत भवन खोलो, बैठो, लोगों की समस्याएं सुलझाओ, कह ही सकते हैं ना उनसे। तो मतलब आप भी उनके खिलाफ है? मैं तो खिलाफ, यदि जो गलत है उसके खिलाफ। तो आप ये आप ये, मैंने इनको बताया था आपसे भी सचिव से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि मैं अभी लगा रहा हूँ रोजगार सहायक कौन है, तो अभी फोन लगाया अभी। हाँ तो आप बुलाइए रोजगार को, बुलाइए है ना, जो भी है रोजगार उनको बुलाइए। अभी मैं आया, सुनो मेरी बात, आपने मुझे फोन लगाया जी, मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ ना, ये तो कर्मचारी है ना। हाँ, अच्छा, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी है जी, इन लोगों को समय पे आके आना चाहिए ना। बिल्कुल, हम इनसे बात आप ये बताइए जैसे आपने अभी कहा सहायक देखते हैं, इस पंचायत में कब से? काफी समय से सेक्रेटरी को 3-1 वर्ष हो गए और इन्हें तो करीबन 10-12 वर्ष हो गए रोजगार सहायक। रोजगार सहायक
तो यानी यहाँ का अगर देखने को देखा जाए तो सबसे मेन रोजगार सहायक है। अच्छा, यहाँ का नहीं, किसी भी पंचायत में नियुक्ति के अनुसार उनको इतने साल पदस्थ होगा तो सबसे ज्यादा नॉलेज सहायक होना चाहिए। चलिए ठीक है, सरपंच साहब से बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब हमारे साथ में गाँव के लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सभी आप एक तरफ आइए और एक एक करके जवाब दीजिए। जैसे कि सरपंच साहब ने अभी बताया कि 2011 की सर्वे अनुसार जिन लोगों की सर्वे हुई थी उन लोगों की आ गई है, तो क्या आप लोग ये बताइए आपकी किसी की 2011 में सर्वे हुई थी क्या? थोड़ा सा आप माइक पे आके बोलो, कौन कौन की हुई थी, जरा इधर आए सामने, हमें वो भी तो टारगेट मिलाना है। जैसे कि 7 आई, सरपंच साहब ने बताया मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं, सहायक को और मेन सचिव जाने, तो हमें वो भी तो पता चलना चाहिए कितने लोगों की 2011 में सर्वे हुई थी, क्योंकि ये बस्ती। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ के मतलब मुखिया हैं, ठीक है, तो ये गांव बसे यहाँ पे मतलब निवास कर रहे हैं, इस गाँव को कितने वर्ष हो गए, मतलब ये गाँव बस्ती यहाँ पे बसे हुए कितने वर्ष हो गए? अरे मतलब ये गांव, जैसे कि आपकी उम्र है, आपकी उम्र 50 पार करके इस गांव की उम्र कितनी हो चुकी है? नहीं तो आपके अनुसार से भी तो 100 साल पार कर गए, 20 साल हुए हैं। मैं आपसे, आप मेरी बात नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2011 से पहले ये गांव था कि नहीं था, तो वही तो हमारा पूछने का मतलब है कि यदि 2011 से पहले ये गांव था तो फिर सर्वे में 7 नाम क्यों हुआ? देखिए सरपंच साहब ने, एक मिनट आप सुनिए, सरपंच साहब ने बताया, मैं उनके पक्ष में भी बात करूंगा, कि सरपंच साहब 2015 में आप जीते हैं चुनाव, तो जो 2011 की वो हमें भी पता है, मैं भी मतलब कार्यकाल में रहा हूँ उसमें, 2011 की सर्वे अनुसार पीएम आवास आ रही है, तो 2011 में आपसे इसी वजह से आपसे ये पूछा कि इसको बसे कितने वर्ष हो गए गांव को, तो क्या 2011 से पहले यहाँ पे 7 मकान थे? तो सर्वे तो सभी की हुई होगी क्या, 7 ही मकान की हुई? तो कौन कौन की हुई थी उस समय? मेरी हुई थी उस समय, अरे रुको, 2011 में सर्वे भई थी, मेरी भई थी, घर भी नाम है आसमान पार्ट, जिसको बने जिसको 2011 में सर्वे हुए थे, बने नहीं बने, बने आसमान पार्ट कौन को बने, जिस 11 में सर्वे वाले को बने, वो भी मेरे पास में है, संजय सचिव से 50 बार बोली, 2 साल से मैं लगूँ, फिर नाम जोड़ दे, नाम जोड़ दे, पीएम आवास योजना नाम है, आज तक के लिए वो 60 ही नहीं खुल रही, 1.5 साल से 60 नहीं खुल रही, आज तक 60 नहीं खुली। आप बुलाइए, मैं भी रहा हूँ उस पद पे, मुझे पता है 60 कब खुलती है कब नहीं खुलती, आज तक 60 नहीं खुली। जोरदार बुला लो। आपका नाम? आ गए, अरे बल्दियत नहीं, नाम गुड्डू मियाँ जी, आप जैसे बता रहे थे मेरी भी सर्वे हुई थी, तो क्या आपकी पीएम आवास आई? नहीं आई। देखिए लोगों की समस्या है। अच्छा, आपको और भी पीएम आवास को छोड़ के और शिकायतें हैं क्या? और कोई शिकायत नहीं है, मतलब जैसे कि रोड की है और ये मतलब जो अपने को पेंशन वगैरह वृद्धा पेंशन मिलती है या फिर शौचालय की है। हाँ, अब जैसा कि अभी हमें कुछ देर पहले दादाजी ने बताया, सरपंच साहब से बात करते हैं पहले, कि मैं वृद्धा पेंशन को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। दादा आप ये बताइए, आप उम्र कितनी? तो 65 भी होगी तो 60 पार कर गए आप, तो आप कब से परेशान है? शिकायत आपने किस किस को की है? तो क्या बोलते हैं ये? तो जमीन वाले मतलब वो इंसान नहीं है? और आपकी 2011 में सर्वे हुई थी क्या? आपकी सर्वे नहीं हुई, आप पीएम आवास आई है कि नहीं? सर्वे होती सालों में, घाट नहीं बन जाता, घाटे नहीं है, सर्वे नाव ही नहीं है, नहीं हमारा सचिव से भी बात की, वो भी आने से उनने इनकार कर दिया, सचिव हमारे साथ में है, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। और अभी बता रहे हैं लोग पंचायत भवन दिखा, पंचायत भवन में सहायक सचिव बैठी है, वो यहाँ आने के लिए तैयार है। इसका रीजन सीधा ये होता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी तो हमारे बीच में निकल के नहीं आ रही। जैसे कि सरपंच साहब आज हमारे बीच में बैठे, उन्होंने जवाब दिया, जितने भी उनसे क्वेश्चन किए गए उनने सभी का जवाब दिया, लेकिन हमारे बीच में सचिव आने के लिए उपस्थित नहीं है।